केन को इतना हाइपअप किया जा रहा था, अब उसको मार दी गई है लात। सो गाइज हेयर वी आर विद आवर न्यू लोकेशन, नो सॉरी माई न्यू लोकेशन, क्योंकि ये अभी तक बचा हुआ है। और इसके अलावा इंटरनेट पे अगर आप हर जगह देखोगे ना, तो सिर्फ मार्वल 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 ही दिखेगा आपको अभी, क्योंकि मार्वल इज फाइनली बैक गाइज विद द बैंग। क्योंकि मार्वल ने कुछ ऐसा कर दिया है ना जिसकी कोई हद नहीं। पहले तो उन्होंने 2 दिन पहले रिलीज की डेडपुल एंड वुल्वरीन, जो उस मूवी ने कमाल किया है, मार्वल को वापस से जिंदा किया है उस मूवी ने। और उसके अलावा कल हुआ गाइस कॉमिक कॉन, सिर्फ 3 मूवी की अनाउंसमेंट की है, जिसमें से 3 में से आपको सिर्फ 1 का इतना ज़्यादा सुनने को मिलेगा ना जिसकी कोई हद नहीं। बाकी 2 मूवीज को तो लोग भूल गए हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला। 1 अनाउंसमेंट ने गाइस पूरा इंटरनेट हिला दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो आप किस दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि इट्स लाइक बूम, पूरा इंटरनेट बूम हो चुका है। और अगर आप, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एवेंजर किंग डायनेस्टी आने वाली थी अब वो नहीं आएगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसका मेन विलन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जोनाथन मेजर्स ने जो पिछले साल किया था तो मार्वल ने उनको मारी लात कि भाई टाटा बाय बाय, आपका हमारे साथ हो चुका है, अब आएंगे डॉक्टर डूम, न्यू विलन आएंगे। गाइस मूवी का नाम चेंज किया गया है, एवेंजर्स डूम डे मूवी का नाम रखा गया है, जो आने वाली है मई 2025 में। और उसमें जो मेन विलन प्ले करने वाले हैं, इट्स RDJ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, और अब वो वापस आ रहे हैं एवेंजर की 5वीं मूवी बनाने के लिए। और इसी के साथ उन्होंने अगली मूवी भी अनाउंस की है, एवेंजर्स सेक्रेट वॉर्स, और उसी को भी रूसो ब्रदर्स ही डायरेक्ट करेंगे। तो दोनों मूवीज को रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करेंगे। रूसो ब्रदर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इट्स टेम गुड इन इट्स वर्क। और गाइस इट्स लाइक कांड फाड़, क्योंकि RDJ डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और मेन विलन होने वाले हैं वो इस मल्टी सागा के। तो आप सोच ही सकते हो कितना बड़ा बवाल होने वाला है। जो केंग को इतना हाइपअप किया जा रहा था, अब उसको मार दी गई है लात, और अब डॉक्टर डूम को सेटअप किया जाएगा, और जो ही तबाही मचने वाली है इस मल्टीवर्स सागा में, और जो ही हमको कैरेक्टर रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं, तो इट्स अमेजिंग। मार्वल इज फाइनली बैक, और अब ये आप आराम से बोल सकते हो, क्योंकि डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन, RDJ इज डॉक्टर डूम, मई में पिक्चर आ रही है 2026 में। उसके अलावा अभी कैप्टन अमेरिका आने वाली है, बहुत सारे आने वाले हैं मूवीज, और हिज ऑरा इज अनमैचेबल फॉर RDJ, इट्स लाइक रिस्पेक्ट X100, यू नो व्हाट आई से। बाकी आपको ऐसी न्यूज, आपको ऐसी सिनेमा जगत की चूतिया चीजें इस चूतिया आदमी से अगर सुनने पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें।